हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहिल मार्क में। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पासपोर्ट सेवा केंद्र से आने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है। इस बारे में बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछे हैं कि सर बताइए, पासपोर्ट रिन्यूअल ऑफिस जाने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है। तो मैं आपको पूरा डिटेल से इस वीडियो में बताऊँगा। और आपका अगर आधार कार्ड पासपोर्ट अंडर रिव्यू एट द रीजनल ऑफिस दिखा रहा है, इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपका पासपोर्ट होल्ड हो गया है, वो भी उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ पासपोर्ट और रिलेटेड, पासपोर्ट और आधार से रिलेटेड वीडियो, तो आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो देख के अपना प्रॉब्लम सोल्व कर सके गाइस। ठीक है, तो देखो गाइस, जिन भाई लोगों का पासपोर्ट अंडर रिव्यू एट द रीजनल ऑफिस आ रहा है, और मैं काफ़ी सारा इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो उन लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि उनको रीजनल ऑफिस जाना पड़ता है। और रीजनल ऑफिस जाना होता है तो एक कन्फ्यूजन आती है कि रीजनल ऑफिस जाने से पहले पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। अब आप लोगों को पता नहीं है और बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं इसी के बारे पे, तो मैं सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ। तो देखो, पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है भाई, क्योंकि मैं ये जानता हूँ और मैं 100% श्योर हूँ इस बात पे कि आपको पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है। और पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जाने की वहाँ क्या क्या होता है, ये पूरा डिटेल से बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए। पूरा वीडियो देख लेना एंड तक, ताकि आपको बहुत सारा इसमें आपको इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो मिल जाए आपको। देखो, पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं भी पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ, और मेरा भी पासपोर्ट आपकी के तरह होल्ड हो गया था। जैसे पासपोर्ट एट द रीजनल ऑफिस विजिट ऑन योर RPO ऑफिस लिखा रहता है, आप जब स्टेटस चेक करोगे तब, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका पासपोर्ट होल्ड कर दिया गया है। और अगर आप पासपोर्ट रीजनल ऑफिस नहीं जाते हो तो आपका एक महीना, दो महीना, किसी किसी का छः छः महीना पासपोर्ट वहीं रह जाता है पासपोर्ट रीजनल ऑफिस में। ठीक है, और पासपोर्ट रीजनल ऑफिस ये होता है जहां आपका पासपोर्ट बन के तैयार होता है। ठीक है, तो पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जाने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, डायरेक्टली जाना है। और वहां जाने के बाद से पहले, जाने के पहले आप क्या करना, सारा डॉक्यूमेंट ले लेना, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र गए थे वो सारा डॉक्यूमेंट मिला था वो, और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो सब ले लेना। और जब आप गोमती नगर जैसे जाते हो, आप उत्तर प्रदेश का पासपोर्ट रीजनल ऑफिस है गोमती नगर, और बहुत सारे स्टेट का जैसे उत्तर मध्य प्रदेश का हो गया, पटना का हो गया, मुंबई का हो गया, अलग अलग स्टेट है उनका अलग अलग होता है। तो कहीं भी अगर जाओ तो पासपोर्ट रीजनल ऑफिस पे अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता है। जब आप पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको एक पेपर मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, गार्ड जो होते हैं वो एक फॉर्म देंगे, उसमें आपको पासपोर्ट का जो फाइल नंबर होता है वो भरना होता है, नेम भरना होता है, ये भर के आप जमा कर देना। जमा करोगे तो अंदर ले जाएगा, फिर आप लोगों को सीरियल वाइज से बुलाता है, और जब वहाँ जाओगे तो वहाँ के पासपोर्ट रीजनल ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं वो आपसे पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप बताना कि सर मेरा आधार कार्ड है, सॉरी पासपोर्ट इतना दिन से मैंने बना दिया है, सारा प्रोसेस हो गया, लेकिन हमारा पासपोर्ट ऐसा ऐसा स्टेटस हो रहा है और होल्ड हो गया, क्यों नहीं आया अभी तक। तो आपको डॉक्यूमेंट मांगेंगे सब, जैसे आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया होगा, जैसे उर्दू बोर्ड से लगाया होगा या CBSE बोर्ड से लगाया होगा या UP बोर्ड से लगाया होगा, ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट देने हैं। फिर देने के बाद से वो लोग चेक करेंगे और आपका डाटा सही करेंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि आप चले जाइए, आपका घर एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर में आपका पासपोर्ट आपके घर चला जाएगा। तो ये बात सही होता है, आपको चले आना है वहाँ से, और उसके बाद से आपका पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। और एक बात और बता दूं, कितने लोग ये पूछते हैं कि सर क्या एक दिन में स्टेटस चेंज हो जाता है, जो पासपोर्ट एट द रीजनल ऑफिस दिखाता है, पासपोर्ट अंडर रिव्यू एट द रीजनल ऑफिस, ये जो स्टेटस शो करता है वो आपको एक दिन में नहीं चेंज होता है, एक दो दिन में चेंज हो जाता है। और जब आपका पासपोर्ट डिस्पैच होगा तो आपके मोबाइल पर तुरंत मैसेज आ जाएगा
और आपका पासपोर्ट जहाँ जहाँ आएगा वैसे वैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और आपको पोस्ट ऑफिस से फ़ोन आएगा कि आपका पासपोर्ट आ चुका है, जाके ले लेना, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है अगर सऊदी जाना है तो। और जिसको जल्दी चाहिए वो पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जरूर चले जाना, क्योंकि जब तक जाओगे नहीं तब तक आपका पासपोर्ट वहीं फंसा रहेगा गाइस, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा फाइल होता है, उन लोगों को ध्यान नहीं आता है, वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तो यही कारण होता है जो आपका पासपोर्ट होल्ड हो जाता है। और होल्ड क्यों होता है, जैसे मान लो कि आपने जो मार्कशीट लगाया है उसको वो लोग चेक करते हैं कि ओरिजिनल है कि नहीं है। मान लो आपने तो आप वहाँ ओरिजिनल जो मार्कशीट होता है वो तो आपने भेजा नहीं है, बस अपने पासपोर्ट सेवा केंद्र से ही आपने स्कैनिंग वगैरह करा के भेज दिया है। जब पासपोर्ट सेवा केंद्र ट्रांसफ़र करता है पासपोर्ट ओरिजिनल ऑफिस, तो वहाँ पर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये ओरिजिनल है कि फर्जी है। ये चेक करने के लिए आपको वहाँ बुलाया जाता है और अपना मार्कशीट दिखाएंगे, इसके बाद से आपका काम हो जाता है। और टाइम इसलिए लगता है कि आपका जो यूपी बोर्ड होता है वो लगता है कि जो आपका जैसे मान लीजिए 10 का मार्कशीट लगाए हैं तो वो इलाहाबाद भेजते हैं लोग इसको वेरीफाई करने के लिए सही है कि नहीं है। तो उससे अच्छा आप ही चले जाओ अपना मार्कशीट लेके वहाँ पे रीजनल ऑफिस पे, वहाँ पे आपका एक हफ्ते में आ जाएगा। और परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। ये मेरे साथ भी हुआ था। और बहुत सारे लोग नया नया पासपोर्ट बनवाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, अरे बाप अब तो मैं सऊदी जा ही नहीं पाऊँगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, साइड बाई के रहते हुए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया हूँ, और जाओ वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, फॉलो करो मुझे और मैं आपसे मुझसे बात कर लेना, कन्फ्यूजन दूर आप लोगों का, प्रॉब्लम दूर, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किए हो और बेल आइकन नहीं दबाए हो तो दबा लो, क्योंकि हमारे वजह से आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, जिसके पास ये प्रॉब्लम हुआ है उसको भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।